हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अब्रेक्टर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, इसी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। आज बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले जो आर्टिकल है वह है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन स्टेटस टू इंडिया के बारे में। तो क्या है वो देखते हैं। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया को यूएसए ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन स्टेटस है वो दिया है, तो उसको लेके यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। तो हम देख लेते हैं कि क्या तो ये स्टेटस है, इससे स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन एक्ट जो मिला है इंडिया को, स्टेटस का क्या बेनिफिट इंडिया को होने वाला है, कहाँ कहाँ इसके फीचर्स वगैरह जो है हमारे लिए काम के होते हैं। देखो, पहली बात यह है, इंडिया आपको पता है कि यूएस से काफी डिफेंस इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो खरीदता है ऑब्वियसली। इसके साथ ही और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो भी वहां से खरीदे जाते हैं। नेविगेशन आइटम हुए, एरोस्पेस से रिलेटेड आइटम हुए, लेट जैसी टेक्निक है वो वहां से इंपोर्ट है इंडिया बेसिकली करता है। मतलब यूएस से चीजें, काफी चीजें हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब इंडिया अगर वहां से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहा है, यूएस या एक्सपोर्ट कर रहा है अपने इंडिया के अंदर, तो उसे काफी सारे एग्रीमेंट वगैरह, काफी सारे लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम वो चीजों को यूएस वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि ट्रेड में थोड़ी दिक्कत है वो आती है। तो इसी को लेकर अभी यूएस ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का दर्जा दिया है। इसमें क्या होगा कि बार बार लाइसेंस लेने की जरूरत वो नहीं होगी, मतलब जो ट्रांजिशन स्पेसिफिक लाइसेंस है उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी एक्सपोर्ट के लिए। बस एक ही बार लाइसेंस हो गया, फिर उसके साथ ही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार आपको बहुत लंबी लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़े और उसके बाद ही आप चीजों को खरीद पाओ, क्योंकि कुछ चीजें काफी सेंसिटिव कैटेगरी की होती हैं। जैसे कि हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर कुछ हम खरीद रहे हैं तो उस लिए हमें बार बार जो स्पेसिफिक लाइसेंस है उसकी जरूरत है वो नहीं होगी। इसके साथ ही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन अगर हमें खरीदने हैं तो भी उस कंडीशन में हमें जो स्पेसिफिक लाइसेंस लेना होता है यूएस से ट्रांजिशन के लिए, वो उसकी भी जरूरत है वो यहाँ पे नहीं होगी। इसके साथ ही जो क्राइम कंट्रोल के लिए कोई अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीद रहे हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई आइटम खरीद रहे हैं, या फिर कोई एरो स्पेस रिलेटेड कोई भी आइटम हुआ, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड कुछ हुआ, मतलब हम यूएस से जो यहाँ पे कैटेगरी है वो फिक्स की गई है। लगभग सारी कैटेगरी तो हमें याद नहीं रखनी है, बट ये मान लो कि 15-20 कैटेगरी है। उन कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट को फिर इंडिया अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसको बार बार लाइसेंस वाला इश्यू वो हासिल है, वो क्रिएट नहीं करना होगा। तो ये बेनिफिट इससे इंडिया को होने वाले हैं। इसके साथ और फायदे अगर हम देखें तो एक तो इंडिया की सप्लाई चेन है वो बढ़ जाएगी, मतलब इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इजीली इंपोर्ट हो कर पाएगा, टाइम है वो कम लग जाएगा। इसके साथ ही बात हम करें कि नाटो की जो अलाई मेंबर हो गई, जैसे कि हम बात करें जापान हुआ, कोरिया हुआ, ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ भी इंडिया अपने इंडिया है वो चीज़ें इंपोर्ट एक तरीके से इंपोर्ट हो ज़्यादा कर सकता है, मतलब इन कंट्रीज से भी इंडिया चीज़ें को इंपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो नाटो की जो अलायंस कंट्री होगी, जैसे कि जापान हो गई, साउथ कोरिया जैसी कंट्री हुई, ये भी एक्चुअली स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का एक मेंबर है, उनका भी एक हिस्सा है। तो इसलिए इंडिया जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनसे चीजें हैं वो आराम से इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो बात करें हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन की, जो कि यूएस का है, इसमें 36 कंट्री मेंबर हैं इसकी, और इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जो कि साउथ एशिया की है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का जो दर्जा मिला है इंडिया को वो मिला है एक्चुअली साउथ एशिया में पहली ऐसी कंट्री, मतलब इंडिया को साउथ एशिया के अंदर पहली बार ऐसा दर्जा वो दिया गया। बाकी और भी कोई ऐसी कंट्री नहीं है इंडिया साउथ एशिया की जिसको स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का दर्जा दिया गया यूएसए के द्वारा। तो ये बेसिकली चीजें हमें ध्यान है वो रखनी है। बेसिकली तो उसके अलग अलग वर्जन भी हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन 1, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन 2, तो वो सारे हमें यह ध्यान है वो नहीं रखने, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या, किस लिए इंडिया को इसे दर्जा दिया गया, क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। ऑब्वियसली इंडिया का ट्रेड है वो यूएसए से बढ़ने वाला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमिक रिलेटेड है, तो यहाँ पे बात है वो की गई रेपो रेट। तो रेपो रेट के बारे में कंटेक्स्ट ये है कि देखो, रेपो रेट है वो अभी 25 जो बेसिस पॉइंट है उनकी भी बढ़ोतरी है वो की गई है, किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। अब हम बात करें कि भी हमारी रिसेंट रेपो रेट क्या है, तो रिसेंट रेपो रेट है वो है 6.50%। ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, उसमें 3 मेंबर तो होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पहले थी ये मॉनेटरी पॉलिसी तो पुराने टाइम पर तो सारी ही आरबीआई के कंट्रोल में रहती थी, बट लास्ट ईयर इसको चेंज कर दिया गया था। तो अभी हुआ क्या कि 3 मेंबर तो इसमें आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं और 3 मेंबर ही होते हैं इसमें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से मतलब एक तो हमारे गवर्नर साहब हो गए और इसके 2 और मेंबर है वो होते हैं, तो ये 3-6 लोग हैं ये मिलकर एक्चुअली नॉर्मल डिसीजन वगैरह लेते हैं। बेसिकली गवर्नर है वो यहाँ पे डिसीजन कम ही लेते हैं, 5 मेंबर है वो मिलकर लेते हैं, जब कोई बार ऐसी काफी असंदिग्धता होती है उस कंडीशन में 6 मेंबर का वोट है वो यहाँ पे काउंट है
को किया जाता है, तो ये हमें ध्यान है वो रखना है कि भाई कैसे कैसे प्रोसीजर वो होती है। अब देखो बात करें मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या है, हमारे देश के अंदर हम देखें मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो बेसिक मेन काम है वो है महंगाई को टारगेट करते हुए चलना। और महंगाई का अभी जो टारगेट हम देख के चलें कि अभी रिसेंटली क्या टारगेट है गवर्नमेंट के द्वारा जो रखा गया है महंगाई है, उसका टारगेट रखा गया है 4+-2। 4+-2 का मतलब ये है कि हमारे देश की महंगाई है वो लगभग 4 के एवरेज में लेनी चाहिए, या तो 4 से 2 ज्यादा हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 6 होनी चाहिए और मिनिमम बात करें तो 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी हमारी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो एक लिमिट के बाद महंगाई भी हमें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जब इन्फ्लेशन ही नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी काफी मंद हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी महंगाई है इन्फ्लेशन है वो तो बढ़नी चाहिए टाइम के साथ, अदरवाइज जब मार्केट क्या है स्लो डाउन कर जाता है और इकोनॉमी वो क्रेश हो सकती है, इसलिए महंगाई है वो थोड़ी थोड़ी तो बढ़नी चाहिए और इसीलिए गवर्नमेंट का टारगेट किया गया है 4+-2। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। यूपीएससी की बार बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेती है और काफी इजी इजी क्वेश्चंस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई 4+-2 का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रखा गया है। बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी में कौन कौन आते हैं वो हमने देखा। देखो ये रेपो रेट है ना ये तो क्या है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो जब भी कोई एग्जाम आते हैं ना तो उससे जस्ट पहले एक बार आप डाटा है ना वो चेक कर लीजिएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आज ये रेट है तो ये नहीं है कि आगे हमेशा ये रेट रहने वाली, चेंज हो सकती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको बार बार जब भी एग्जाम वगैरह हो तो हमें उसको चेक है वो कर लेना है। अब बात हम यहाँ पे आप जरूर ये बताइए कि फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है रिसेंटली, तो ये बताइए और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। देखो वैसे तो हमने इसके बारे में काफी बार डिस्कस किया है कि रेपो रेट क्या होती है रिवर्स रेपो रेट है वो क्या होती है, और एक आप ये बताइए कि रेपो रेट ज्यादा होती है हमेशा है रिवर्स रेपो रेट, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वैसे हमने काफी साथ डिस्कस है वो किया है। इसके साथ ही इकोनॉमी की दो टर्म और आई हैं, दो वर्ड हैं, उनको भी हम यहाँ पे साथ ही डिस्कस है वो कर लेते हैं। एक तो है एडिशनल सर्विलेंस मेजर के बारे में और एक है ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर के बारे में। ये बेसिकली दो इकोनॉमी के टर्म है, कई बार यूपीएससी देखो टर्म्स वगैरह पे फोकस है वो कर लेती है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या ये टर्म है। हम पहले बात करते हैं एडिशनल सर्विलेंस मेजर की बात ASM की। देखो ये बेसिकली आपको बताऊं शेयर मार्केट से रिलेटेड है, पहली चीज तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है एग्जाम में कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है इकोनॉमी का एक टर्म है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। इसमें होता क्या है और कैसे क्या काम है वो करता है वो देखते हैं। आपको पता है कई बार कोई भी कंपनी से मान लो कि गूगल कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, खैर पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, गूगल कंपनी का शेयर है मान लो कि वो शेयर आपको मिल रहा है 1000 रुपए में, 1000 रुपए उस शेयर की प्राइस है, बट आपने देखा कि एक एक या दो महीने के अंदर उसकी जो प्राइस है वो सीधी हो गई 4000 रुपए हो गई है उस प्राइस, और फिर देखा जाए तो वापस 1000 हो गया। मतलब एक तरीके से आप क्या देखोगे यहाँ पे कि देखो प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, जो गैप हो गया ना इसके बीच में बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो वो यहाँ तो 1000 थी सीधी 4000 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ 3000 का मुनाफा हो रहा है 10 दही। तो इसमें क्या हुआ मतलब ये जो इस आप कह सकते हो कि ये जो शेयर है गूगल का इसकी प्राइस है वो स्टेबल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, मतलब जो इसके बीच में स्प्रेड लेवल है ना 1000 से 4000 के बीच में 3000 का जो स्प्रेड लेवल है वो बहुत ज्यादा वेरी वो कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है वो हो रहा है, तो इसलिए लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। अब आप खुद ही देखिए लोग भरोसा कैसे करेंगे कि यार एक दिन तो शेयर है वो 4000 रुपए में मिल रहा है और एक दिन 1000 रुपए में पड़ा पड़ा बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई बिक ही नहीं रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इस कंडीशन या इस स्टेज को जो सेबी है वो मॉनिटर करना चाहती है ताकि जिस भी कस्टमर ने भाई गूगल कंपनी जैसी कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसका पैसा महफूज हो सके, तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सेबी के द्वारा टर्म है वो लैग है। तो ये ध्यान रखना कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर का मतलब यह है कि अगर कोई भी जो शेयर है उसकी प्राइस अगर 200% से या 200% से ज्यादा बढ़ जाती है, लास्ट 3 मंथ का एवरेज है बेसिकली वो लिया जाता है, जैसे कि मान लो कि अभी आपको बता दूं कि अभी ये मान के चलो कि 100 रुपये प्राइस है, 3 महीने बाद उसकी प्राइस हो गई सीधी 300, तो मतलब क्या 200% उसकी प्राइस है सीधी बढ़ गई है, तो उसको क्या करेगी सेबी एडिशनल सर्विलेंस मेजर के अंदर डाल देगी उस कंपनी या उस शेयर को, ताकि उसको बार बार ट्रैक वगैरह किया जा सके, उस पर रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई जाती है ताकि उसकी जो शेयर की रेट है वो ज्यादा फ्लक्चुएट वो ना हो। देखो शेयर की रेट घटना बढ़ना तो बिल्कुल जायज है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए जिससे लोगों का भरोसा ही ना हो शेयर मार्केट पे, इसलिए सेबी के द्वारा स्टेज है वो उठाए जाते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि लास्ट 3 महीनों के अंदर जो उसकी एवरेज जो आप बोलोगे कि कितनी बढ़ी है वो 200% से ज्यादा या 200% से मतलब 200% के इक्वल होनी चाहिए या फिर 200% से ज्यादा, अगर 150% भी है तो भी उसको इसमें लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, ये चीज हमें ध्यान वो रखनी है। काम कौन करता है ये बेसिकली सारे काम किए जाते हैं सेबी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर के बारे में। ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर है ये भी एक तरीके से इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, वो है थोड़ा दोनों में थोड़ा सा बहुत स्लिम मिस्टेक है वो सॉरी स्लिम डिफरेंस है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखो कई बार क्या होती है कुछ कंपनियां होती है ना उनकी हालत ठीक नहीं होती है, जैसे मान लो कि कोई भी नई कंपनी आई है मान लो कि ABC कंपनी है, उस कंपनी ने अपना शेयर जारी किया। अब भाई कंपनी नई नहीं है, आपको ऑब्वियसली पता है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं होगा ना ही इतना बजट वगैरह होता है, पैसे वगैरह ज्यादा नहीं होते हैं, तो मतलब कंपनी की वजह से तो माली हालत ठीक ठाक
ठाक नहीं है, एकदम खस्ताहाल हालत है कंपनी की। और उस कंडीशन में अगर आप देखो उस कंपनी का अगर शेयर बहुत अच्छा बिक रहा हो तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ने कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी की है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि नई नई कंपनी हो या फिर कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसकी माली हालत खराब हो रही हो, खुद तो खस्ताहाल किस्तों पर जी रही हो और उसके बाद उसकी शेयर की प्राइस वो बहुत अच्छी हो। मतलब कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी कर रही है, अपने आप की वो शेयर की प्राइस बढ़ा के दिखाना चाह रही है। कुछ ना कुछ ऐसा काम उसने किया है ताकि उसके शेयर है वो बिके मार्केट में, उसको पैसा वैसा मिले। मतलब कुछ ना कुछ उसने धांधलेबाजी की है। तो उस कंडीशन में वो कंपनी ना वो ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर के अंतर्गत है वो रखी जाएगी सेबी के द्वारा, ताकि उसको सर्विलेंस या उसकी निगरानी है वो की जा सके और पता चले कि भाई कहाँ कहाँ लोचा है वो किया जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्या गया है। मतलब इसमें तो क्या होता है कि शेयर की प्राइस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, कम हो जाता है उस कंडीशन को। और जो ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर की बात करें, इसमें क्या होता है कि कंपनी की हालत ही ऐसी नहीं होती, एक तरीके हम सीधा बोलें तो कंपनी की इतनी औकात नहीं होती कि उसकी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए वो ऑब्वियसली वो चीज रिलेवेंट नहीं होगी। ये मान लो कोई एबीसी नई कंपनी है, उसका शेयर डेली तो बिक रहा है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मान लो मैक्सिमम, और किस टाइम सडनली उसका शेयर वो 5-5 हज़ार रुपए में बिकना शुरू हो गया सडनली हमेशा, तो मतलब कंपनी ने कुछ तो लोचा कर दिया है, दाल में काला वहां पे हो गया है, तो वो इस लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये दोनों वर्ड हमें ध्यान है वो रखने हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में। देखो राजस्थान है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया है। इस साल अप्रैल के अंदर राजस्थान के द्वारा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो किया गया था, तो ये यूपीएससी है वो पूछ सकती है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हो जाता है बेसिकली। अब देखो ये क्या है, एक तो बोले वो देखते हैं कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है क्या, क्या क्या उसके फीचर्स वगैरह हैं। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है ना, इसका देखो मेन टारगेट क्या है, फीचर्स वो देख लें। 2018 की जो पॉलिसी है वो लेके गई है। खैर सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने हैं, बट एक बार थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तो हमें होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो एथेनॉल पेट्रोल वगैरह के अंदर मिलाया जाता है ना, उसकी मात्रा को 20% तक बढ़ा दिया जाए। अभी देखा जाए तो हमारे देश के अंदर पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल वगैरह मिलाया जा रहा है डीजल वगैरह में, वो 5% भी नहीं मिला जा रहा। इवन कुछ स्टेट में तो 0% तक मिलाया जा रहा, मतलब वहां पर मिला ही नहीं जा रहा बिल्कुल। तो उसको 20% तक करना है। इससे क्या होगा, एक तो हम बाहर से जो कंट्रीज है ना वहां से हमें ऑयल है वो कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब हम 20% तो इंडिया के जो बायोफ्यूल है वो यहाँ पे पुट है वो कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करें एडवांस जो बायोफ्यूल की बात करें उसके लिए पॉलिसी आने वाली है, जैसे कि 2G बायोफ्यूल होता है, 3G, वो भी यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पे देख ही लेते हैं कि 1G बायोफ्यूल क्या होता है, 2G बायोफ्यूल क्या होता है, 3G बायोफ्यूल है वो क्या होता है। देखो 1G जो बायोफ्यूल है, आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल है, उसका मतलब ये है कि जैसे अनाज वगैरह हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ऐसी जो चीजें ना इनसे डायरेक्टली आप एथेनॉल बना रहे हो, तो वो तो हो गया फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का मतलब क्या है, जो खाने पीने वाली चीजें हैं डायरेक्टली उनसे हम चीजें मतलब जो बायोफ्यूल है वो बना रहे हैं, वो तो होगा फर्स्ट जनरेशन। बात करें सेकंड जनरेशन की, 2G की, तो 2G के अंदर ये हो जाएगा कि भाई जो भी बचा हुआ मटेरियल, जैसे मान लो कि खाना वेस्ट पड़ा है, वेस्ट खाना है वो हो गया, या फिर जैसे कि गन्ने के छिलके हो गए या फिर फ्रूट्स वगैरह के छिलके हो गए, ऐसे जो वेस्ट जो कचरा हुआ अगर उससे हम बायोफ्यूल बना रहे हैं तो वो हो जाएगा सेकंड जनरेशन का। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन का मतलब ये हो जाएगा कि जो जैसे कि कवक वगैरह नहीं होती है, सेवाल वगैरह हुई, इनसे अगर हम कोई भी इस तरह के बायोफ्यूल वगैरह बना रहे हैं तो वो होगा थर्ड जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन है वो होगा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी अभी तक तो खैर आई नहीं है, बट मतलब नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद यहाँ पे की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना कि फर्स्ट जनरेशन में क्या डिफरेंस है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। पहले जनरेशन का मतलब सीधा आप ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब जो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था तो हम अनाज वगैरह को गला के सीधा सीधा बना रहे थे। सेकंड जनरेशन का मतलब ये देख लेना कि भाई हमें पता चला कि कचरे वगैरह से भी बना सकते हैं, तो कचरे वगैरह को हमने जला के उससे मतलब उससे हम मैनेज करके हमने बायोफ्यूल वो बनाया। थर्ड जनरेशन का मतलब ये हो गया कि हम जो कचरा वचरा है इसके अलावा भी एडवांस फॉर्म में जाते हैं, मतलब समुद्र से जो सवाल वगैरह ना उनको इकट्ठा करते हैं और उससे हम बायोफ्यूल वो बनाते हैं लाइकेन वगैरह से इनसे। फोर्थ जनरेशन का मतलब और भी एडवांस जो टेक्निक है वो आने वाली की बात है वो की गई है। तो यहाँ पे बात अभी गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है वो सेकंड जनरेशन पे वेस्ट वो सॉरी फोकस है वो कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में तो किसानों के पास है वैसे फसल का बहुत सारा वेस्ट बचा हुआ रहता है। जब फसल रेसिड्यू की प्रॉब्लम आती है, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, इन सारे स्टेट्स में मेनली ये इश्यू वो रहता है, तो उससे क्या होता है कि इनके पोल्यूशन होता है, तो उस चीज का हम यूज वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट सेकंड जनरेशन पे फिलहाल ज्यादा फोकस है वो कर रही है, क्योंकि सेकंड जनरेशन का अभी हमारे पास बहुत सा स्कोप अवेलेबल है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि 3G पे गवर्नमेंट को फोकस है वो करना है। इसके साथ ही जैसे एक यहाँ पे चीज बताई गई है कि जेट्रोफा के बारे में आपको ध्यान रखना है। जेट्रोफा एक पेड़ है या बोल सकते हो उसकी सीड होते हैं बीज, उन बीजों का यूज है वो एक्चुअली बायोफ्यूल बनाने में है वो किया जाता है बेसिकली। तो यही ध्यान रखना है कि राजस्थान है वो जेट्रोफा की खेती को प्रमोट कर रहा है बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत, ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और बायोफ्यूल का निर्माण है वो किया जा सके।
इसके साथ ही बात यह है कि गवर्नमेंट है वो नेशनल बायोफ्यूल जो रिपोजिटरी है वो बनाएगी, ताकि बायोफ्यूल को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सके। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कुकिंग सीड्स वगैरह हुए या फिर जो और भी वेस्ट हो गया उन सबको यहाँ पे यूज है वो किया जाएगा। इसके साथ ही जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, वो भी एक तरीके से बायोफ्यूल पे नई रिसर्च वगैरह कर रही है, ताकि और भी अच्छे ढंग का बायोफ्यूल है वो लेके आ जा सके, और इंडिया जो बाहर से ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम है वो किया जा सके। ये तो थी बायोफ्यूल के बारे में, तो हमने इसके बारे में बेसिक फीचर्स वो देख ली। इसके साथ देखो तो फायदा क्या क्या होने वाला है, इससे फायदे तो बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली अगर बायोफ्यूल की नई फैक्ट्री वगैरह लग रही है तो इन्वायरमेंट को भी इससे फायदा होने वाला ही है। इसके साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम वो बढ़ेगी, और किसान अपना जो फसल का कचरा वगैरह वो भी बेच देंगे तो किसानों को भी इससे फायदा हो जाएगा। मतलब फार्मर प्रोटेक्शन भी यहाँ पे सिक्योर है वो की गई है, और जो रॉ मटेरियल है वो भी इजिली एक्सेस है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्क्यूटोइड के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है स्क्यूटोइड के बारे में। स्क्यूटोइड है वो एक नई स्ट्रक्चर है, नई शेप है, वो डिस्कवर की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। कैसी ये शेप है वो देख लेते हैं। देखो क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हो गया आप समझ गए होंगे, ऐसे जैसे हम बनाते हैं ना क्यूब, ये हो गया एक सेकेंड सॉरी, हाँ ऐसे जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे बचपन में या अभी भी कई बार यूज करते हैं। तो क्यूब और जो पिरामिड, पिरामिड होता है कुछ इस तरीके के ट्रायंगल वाला, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को मिक्स कर दें तो वो हो जाएगी स्क्यूटोइड। जैसे आपको ये दिखा दूं यहाँ पे, देखो ये तो पिरामिड का मतलब थोड़ा होगा ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में, और स्क्यूटोइड का मतलब देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो गई। तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे ये वाली स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है वो सामने आने वाली है। तो वैसे तो एक्चुअली दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स हो करके बनाएगी है, क्यूब को और स्टोइड, क्यूब को और पिरामिड को, बट इसका नया नाम और रखा गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भी न्यूज में है क्यों, क्यों भी इसको डिस्कवर किया गया, कैसा कैसी ना कहाँ ये बेसिकली स्ट्रक्चर पाई गई है। देखो बेसिकली इसका लुक देखो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म उसको एक ट्विस्ट कर दिया आपने, मोड़ दिया है, तो वैसे इसकी शेप है वो बेसिकली हमें दिखाई देती है। ये जो बेसिकली हमारी बॉडी में जो ऑर्गन या जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर वो पाई जाती है। मतलब हम ये कहें कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू वगैरह है, ऊतक बोलते हो जिन्हें, इसके साथ जो ऑर्गन अंग है उनको अगर अगर निर्माण करना है तो स्क्यूफर्ड जो संरचना है इसका बेसिकली यूज है वहाँ पे होता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक वर्ड और आता है, वो आता है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल का मतलब होता है वो सेल जो किसी बॉडी के ऑर्गन या टिश्यू का निर्माण वगैरह करते हैं, बेसिकली उनको बोला जाता है एपिथेलियल सेल। तो हमारी बॉडी के जो पार्ट वगैरह बनते हैं वो एपिथेलियल सेल की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, और वो उनकी स्ट्रक्चर इसलिए होती है स्क्यूटोइड की जैसी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि स्क्यूटोइड है वो क्या, कहीं यूपीएससी पूछ लेगी भाई नासा का मिशन है फलाना डिमका, तो वहां पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है माउंट रंजनी के बारे में। तो देख लें माउंट रंजनी क्या है, ये बेसिकली अभी न्यूज में है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भूकंप है वो अभी आया था, और उससे काफी लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो गई, तो काफी दिक्कत वगैरह आ गई टूरिज्म वगैरह को लेके बेसिकली। तो उसकी लोकेशन हम देखें तो वो आती है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है लोम्बोक आइलैंड, तो उसकी लोकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं लोम्बोक आइलैंड की। देखो ये तो हो गया इंडोनेशिया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंडोनेशिया का बेल्ट स्टार्ट हो गया। चलो एक बार थोड़ा वो जूम आउट कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे मलेशिया, ये है इंडोनेशिया का बेल्ट सारा ऐसे। तो इस वाले बेल्ट के अंदर यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है उसको बोलते हैं लोम्बोक आइलैंड। हम चलते हैं, ये देखो एक आइलैंड है यहाँ पे, तो इसका नाम बेसिकली लोम्बोक है, लोम्बोक आइलैंड, LOMBOK लोम्बोक आइलैंड। और इस आइलैंड में एक यहाँ पे वोल्केनो है जिसका नाम मैंने आपको बताया माउंट रंजनी। तो इस रंजनी में भी क्या हुआ, यहाँ पे भूकंप आया ना, तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह होगी, काफी लोग फंस गए थे, तो अभी ये न्यूज में था। तो लोकेशन यूपीएससी की बार पूछ सकती कि भी है कहाँ पे, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस वाले एरिया में बेसिकली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है टीज के बारे में। टीज क्या है, टीज एक्चुअली नासा का एक मिशन है जिसका फुल फॉर्म वो देख लेते हैं, वो है ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सॉरी एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। इसके बारे में देख लेते हैं, कंटेक्स्ट ये है कि देखो नासा ने इस सैटेलाइट को अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च है वो किया था, तो अभी अपनी जो आप बोल सकते हो कि जो ऑर्बिट है वहां पे पहुंच गया और इसने एक्टिव फॉर्म में काम करना शुरू है वो कर दिया, मतलब सिग्नल भेजने से स्टार्ट है वो कर दिए। तो टेज मिशन के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, काम क्या है इसका वो देखते हैं। देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, उस वाले एरिया के अंदर आपको पता है काफी सारी चीजें हैं, और हमारा जो सोलर सिस्टम हो गया है जैसे ये मान लो कि पूरा ब्रह्मांड है, उसमें सोलर सिस्टम हमारा बहुत छोटा सा एक पार्ट है। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी तो कहीं ना कहीं और भी तो प्लेनेट होंगे ना, मतलब जिनको बोलते हैं हम एक्जो प्लेनेट। एक तो यूपीएससी एक्जो प्लेनेट के बारे में पूछ सकती है, एक्जो प्लेनेट का मतलब ये होता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो और प्लेनेट है उनको कहते हैं यहाँ पे एक्जो प्लेनेट। तो उनकी स्टडी है बेसिकली ये करेगा, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो अलग ग्रह हैं, दूर दूर हैं, बहुत दूर हैं, उन ग्रह की स्टडी के लिए नासा का एक मिशन है जिसका नाम है टेज मिशन। तो
ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है यहाँ पे। नासा का मिशन है, बस दो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज है, वो ये प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है ना, इसका दायरा भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। तो यूपीएससी पूछ सकती है, पहले इसकी टर्म जो दायरा था इसमें ये प्रावधान था कि जो स्टूडेंट IIT, IISc, NIT, फिर IIST या फिर IISER है, उन इंस्टीट्यूट से अगर आ रहे हैं तो उनको एक्चुअली अगर MTech या आप बोल सकते हो कि सॉरी PhD वगैरह करनी है तो उनको एक्चुअली यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह दे रही थी। ये बेसिकली इसमें प्रावधान है वो किया गया था। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है वो 2018 के बजट में गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, तो ये गवर्नमेंट इसमें चेंजेस वो करना चाह रही थी। बट अभी हुआ क्या कि इसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे वो बहुत कम थे, मतलब लगभग 135 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए थे जिनको यहाँ पे स्कॉलरशिप वो दी जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने इसका दायरा बढ़ा दिया और अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भाई और भी कोई स्टूडेंट ऐसा कि जो इस मामले में रिसर्च वगैरह कर रहा हो या फिर कोई इनोवेशन पे फोकस कर रहा हो तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। बेसिकली ये PhD में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है ताकि इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।